महीना शुरू हो चुका है और मौसम में इतनी ठंड बढ़ गई है कि पुलिस वाले का ईमान भी डोल गया। तौबा तौबा, ये ठंडी जो न करवा दे। बेगूसराय में भीषण ठंड के बीच पुलिस वाहन से पुलिस वालों का लकड़ी चोरी करते सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक आपने जेवरात, रुपए और कीमती सामानों की चोरी की घटनाओं को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन बेगूसराय में एक पुलिस वाला इस भीषण ठंड में पुलिस वाहन से लकड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है, जिसका वीडियो वॉइस ओवर के साथ वायरल हो रहा है। देखिए, ये पुलिस का गाड़ी है और ये चोरी करने के लिए अभी गाड़ी रोका है। हम लोग का जलावन चोरी करता है, हम लोग मेहनत से रुपया कमाते हैं, फाड़ते हैं रात भर जाग के, दिन भर जाग के। देखिए, पुलिस वाला एक निकला, वो जरना चोरी कर रहा है हम लोग का। पब्लिक के नाम पर धब्बा, ये पब्लिक का रक्षा करने किसको भेजा है रात को घूम घूम के, चोरी कर रहा है। पुलिस से जब चोरी करेगा तो आदमी चोरी नहीं करेगा। देखिए, गाड़ी में चोरी करके रख रहा है, रात का मौका फायदा उठा रहा है। देखिए, ये चोर न हुआ कि पुलिस चोर घूम रहा है तो जनता क्या करेगा। ये चोरी कर रहा है, देखिए इसका गलत हरकत, देखिए आप लोग, ये चोर है, देखिए ये चोर है। देखिए, पुलिस वाला लाल बत्ती जल रहा है यहाँ पर और ये चोरी कर रहा निकल के, और देखिए चोरी अभी भी भर रहा है। देखिए जल रहा है, पब्लिक का रक्षा करने के लिए इसको रात गाड़ी मिलता है, घूमता है, रक्षा करे। यहाँ 112 नंबर पर कॉल करे और ये 112 नंबर पर ले घूम रहा है, चोरी करने के लिए दौड़ता है। ये पब्लिक का रक्षा करने के लिए इसको भेजा गया, ये चोरी कर रहा है ऊपर से। ये पुलिस तब चोरे हुआ, चोर घूम रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस की गाड़ी से पुलिस जवान उतरकर जलावन उठाकर अपनी गाड़ी में रख रहा है। ये वीडियो 3 जनवरी रात 9:30 बजे की है। वायरल वीडियो जिले के बकरी बाजार का बताया जा रहा है, जहां बकरी थाना क्षेत्र के बकरी बाजार स्थित कामा स्थान मोहल्ले में एक लकड़ी व्यवसायी ललित शर्मा के घर के सामने पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और उससे पुलिस जवान उतरकर लकड़ी का जलावन उठाकर अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। जिले में लगातार कई दिनों से भीषण ठंड पड़ रही है। प्रशासनिक स्तर से जिले भर में अलाव की व्यवस्था की गई है, पर पुलिस लकड़ी व्यवसायी के यहाँ से जलावन की लकड़ी अलाव के लिए उठा रहा है या किसी और के लिए, ये तो पूरे जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मकसद जो भी हो, रात के अंधेरे में जिस तरीके से चोरी की जा रही है, वो पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।